नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। आज चर्चा कर रहे हैं हम किशनगंज विधानसभा उपचुनाव की। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में किशनगंज ही वो इकलौता लोकसभा क्षेत्र था जिस पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने त्रिकोणीय संघर्ष में जदयू और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस का परचम लहरा दिया था। सांसद बनने से पहले डॉक्टर जावेद किशनगंज विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि जब डॉक्टर जावेद MLA MP बन गए हैं तो अब उनकी इस रिक्त सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना तय है। अगर हम बात करें आंकड़ों की तो 2015 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे डॉक्टर जावेद को 66,522 वोट मिले थे, जबकि एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्वीटी सिंह को 57,913 वोट हासिल हुए थे। यानी कि तकरीबन 9,000 वोट से डॉक्टर जावेद उस विधानसभा चुनाव को जीतने में कामयाब रहे थे। अल्पसंख्यक बहुल सीट के तौर पर जाने जाने वाले किशनगंज में महागठबंधन की तीन पार्टियों के उम्मीदवार का महज 9,000 वोट से जीतना। जी हाँ, तीन पार्टी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त बिहार में जो महागठबंधन का स्वरूप था उसमें राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस शामिल थी। तो इन तीन पार्टियों के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद को महज 9,000 वोट से ही इस सीट पर जीत हासिल हुई थी, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस या फिर UPA के उम्मीदवार की राह इस उपचुनाव में मुश्किल भरी हो सकती है। वहीं अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में AIMIM ने शानदार तरीके से वोट प्राप्त किया था, अगर वो भी अपने उम्मीदवार इस सीट में उतारती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा। अगर AIMIM लोकसभा चुनाव की तरह यहाँ अल्पसंख्यक वोटों के सिंधमारी में सफल हो गई तो यह सीट कांग्रेस के हाथ से सीधे सीधे भाजपा के हाथ में जा सकती है। हालांकि एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि एनडीए की ओर से इस बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जगह जनता दल यूनाइटेड का ही प्रत्याशी इस सीट से चुनावी मैदान में आए। महागठबंधन की ओर से इस सीट का कांग्रेस के कोटे में जाना करीब करीब तय माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। बिहार के राजनीतिक विश्लेषक ऐसी भी संभावना जता रहे हैं कि बिहार में होने वाली इन 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में गठबंधन की गांठें खुलती हुई नजर आ सकती हैं। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा चुनाव आयोग के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें वो इन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें।